हार को कैसे जीत में बदलते हैं, दुनिया भारत से सीखे। दक्षिण अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया बनी वर्ल्ड चैंपियन। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 7 रन से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। अफ्रीका एक बार फिर चौकस के दाग को नहीं मिटा सका है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है विराट कोहली ने। इस मैच में 76 रन की पारी खेली। उसके बाद गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में दमदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को जीत दर्ज करने से रोका। आखिरी 4 ओवर में अफ्रीका को 26 रन की जरूरत थी, फिर भी भारतीय बॉलर्स ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 7 रन से टीम को जीत दिलाई। भारत ने दिया था 177 का लक्ष्य। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। हालांकि रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव इस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके, मगर उसके बाद विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच 72 रन की साझेदारी की टीम ने इंडिया के मैच में वापसी करवाई। अक्षर पटेल ने 31 गेंद में 47 रन और विराट कोहली ने 59 गेंद में 76 रन की पारी खेली। शिवम दुबे ने भी 16 गेंद में 27 रन की पारी खेलकर भारत को 176 रन तक पहुंचाने में मदद की। डिकॉक और स्टब्स की पार्टनरशिप दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स और कप्तान एडर मार्करम 4-4 रन बनाकर आउट हो गए। मगर यहां से क्विंटन डिकॉक और क्रिस्टन स्टब्स ने 68 रन की साझेदारी करके दक्षिण अफ्रीका की मैच में वापसी करवाई। स्टब्स ने 31 गेंद में 31 रन और डिकॉक ने 31 गेंद में 39 रन की पारी खेली। हैंडी क्लासेन तब बैटिंग के लिए क्रीज पर उतरे जब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 70 रन बना लिए थे। क्लासेन ने यहां से ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू की और उन्होंने मात्र 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाकर अपनी 50 पूरी की। क्लासेन ने 27 गेंद में 52 रन बनाए। 15वें ओवर में क्लासेन ने अक्षर पटेल के 24 रन बटोरे, जहां से मैच पूरी तरह पलटा हुआ नजर आने लगा था। मगर आखिरी 4 ओवरों में भारत ने गेंदबाजी के दम पर वापसी की।